सबका स्वागत हम करते हैं। मैं डॉक्टर दीपक एक और डॉक्टर मनीष सेठी के नाम स्वागत करते हैं आप सबका। करीब करीब 43 लोग हैं इधर जूम के ऊपर, 14 लोग हैं यूट्यूब के ऊपर। और मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, पर्सनल कोच हूँ, सेमिनार लीडर, लैंडमार्क हूँ, एक सेमिनार लीडर, हिप्नोथेरेपिस्ट है, सेक्सोलॉजिस्ट है और मनोविकार तज्ञ हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 37 साल से। मैंने DPM किया हुआ है बेंगलोर से, MD चंडीगढ़ से, DNB दिल्ली से और MBBS नागपुर से किया हुआ है। और मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन हूँ, सन्मित्र बैंक का चेयरमैन हूँ। ये हमारी ब्रांचेस है और ये हमारा 200 बेड का अकोला में हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ हम पेशेंट्स को बिना रिलेटिव रखते हैं। और ये जो दूसरा हॉस्पिटल है 50 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ हम विद रिलेटिव लोगों को रखते हैं, राजेंद्र के प्रॉब्लम है राजेंद्र के मुंबई, ठीक है। ये नागपुर का हॉस्पिटल है। ये मेरी कुछ किताबें हैं, जो किताबें मैंने लिखी हुई है हिप्नोटिज्म के ऊपर है, सेक्स के ऊपर है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है, ऐसी किताबें हैं। मेरी यूट्यूब चैनल है जिसमें 13 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है सब मिला के। और ये हमारी स्पेशलिस्ट टीम है अकोला हॉस्पिटल में, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, इनकी किताब है आप सब लोगों ने पढ़ी होंगी, हु मूड माई चीज। तो वो किताब का परिचय आपको मैं करवा दू और देखिए आप अपने जीवन में इसका उपयोग कैसा कर लेते हैं और डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकेंगे, इसलिए प्रोग्राम ने आयोजित किया है। काफी प्रोग्राम ऐसे देते रहते हैं हमारी कंपनी की ओर से। 26 मिलियन कॉपीज, 36 भाषाओं में ये किताब की लिखी गई, 26 मिलियन कॉपीज, और न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर बुक करके यह मतलब रेट किया गया है। ये किताब का परिचय आपको मैं कर दूं ये आज के प्रोग्राम के माध्यम से, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम किया है। हू मूव माई चीज, है ना, मेरा चीज किसने हटाया, आपके जीवन में ये कैसा लागू होता है। ये क्या है, ये कहानी जो है ये कहानी दो चूहों की है, एक का नाम है स्निफ और एक का नाम है स्करी। दो चूहों की कहानी है ये, और ऐसी उन्होंने एक इमेजिनरी दो आदमी लिए हुए हैं जिसका एक का नाम है हॉ और एक का नाम है हेम। तो ये दो आदमी हैं हॉ और हेम और चूहे स्निफ एंड स्करी। अब देखिए इनका क्या है, तो ये स्निफ एंड स्करी, तो चूहे जो है ये भूखे रहते हैं, उनको खाने को चाहिए रोज, और वैसे ये दोनों आदमियों को भी खाने को चाहिए। अब इनको खाने को चाहिए इसलिए एक वो भूल भुलैया में अंदर घुस जाते हैं, भूल भुलैया था मेज, उसमें ये घुस जाते हैं और वहां खाने के लिए ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते, कुछ तो भी खाने को मिलेगा वहां। और वो अंदर वो भूल भुलैया में घूमते रहते हैं, उनको चाहिए कुछ तो भी खाने के लिए, पेट भरने के लिए, और वो ढूंढ रहे हैं कि अपने को क्या खाने को मिलेगा। तो अभी इसका मतलब अपने लाइफ से कैसे, तो भूल भुलैया मतलब आप आपके लाइफ में जहां यह चीज ढूंढ रहे हो, कहां ढूंढ रहे चीज आपके लाइफ में, आप देखो आपके लाइफ में कहां ढूंढ रहे हैं, सोसाइटी में, फैमिली में, आपके कंपनी में, ये पूरे दुनिया में आप कहां चीज ढूंढ रहे, मतलब जगह, चीज ढूंढने की जगह। हो सकता है कि आपका समाज, आपकी फैमिली, आप जहां काम करते हो वहां आपको क्या चाहिए वो ढूंढ रहे, ठीक है ना, आपको जो चाहिए वो आपकी डिजायर वो ढूंढ रहे आप, कि आपको मुझे वो चाहिए भाई, और वो ढूंढ रहे आप वहां, और आपका चीज वहां ढूंढ रहे। चीज मतलब जो खाने का चीज होता है वो, और चीज मतलब क्या आपके लिए ये देखना है कि चीज मतलब आप अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा जो पाना चाहते हो, जॉब है, पैसा है, एजुकेशन है, बिजनेस है, हेल्थ है, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, जो भी आप पाना चाहते हैं वो है, राइट। तो वो आपको देखना है कि भाई क्या पाना चाहते हैं आपके जिंदगी में आप। तो देखिए ना कि भाई आप क्या पाना चाहते हैं आपके समाज में, या आप जहां काम करते हैं वहां, या फैमिली में। आप एक तो जॉब पाना चाहते हैं, पैसा, एजुकेशन, आपका बिजनेस बढ़ाओ, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, जो भी आप पाना चाहते हो। अब ये जो पाना चाहते हैं आप आपके लाइफ में, देखो कि आपके लिए यह जो है चीज उसका मतलब क्या होता है। देखो चूहे जो है, दो चूहे, तो वो दो चूहे और ये दो आदमी
देख रहे हैं भूल भुलैया में चीज, चीज मतलब ये खाने का चीज है ना, चीज पीला वाला जो आता है सफेद आता है, वो चीज ढूंढ रहे हैं खाने के लिए भूल भुलैया में। आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या ढूंढ रहे हैं आपके भूल भुलैया में? आपका भूल भुलैया ये है सोसाइटी, फैमिली, कंपनी, होल वर्ल्ड, और आप क्या ढूंढ रहे हैं उसमें? उसमें ढूंढ रहे आपको जॉब मिल रहा था, मिलेगा जॉब कि नहीं मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एजुकेशन ज्यादा मिलेगा कि नहीं, बिजनेस, हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, आप क्या चाहते हो? आप आपके दिमाग में पक्का रखो, कोई भी एक चीज ले लो,